गाइस, अगर आप एक रॉट वाइलर लवर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। या फिर अगर आप एक न्यू पपी लेने जा रहे हो, या फिर आपके पास रॉट वाइलर है, आपको प्योरिटी चेक करनी है उसकी कि आपके पास जो है वो ओरिजिनल है कि नहीं है, या फिर आप लेने वाले वो ओरिजिनल है कि नहीं। बहुत सारे लोग मार्केट में अभी फ्रॉड करते हैं, आपको मिक्स ब्रीडिंग देते हैं, मिक्स डॉग ब्रीड आपको मिलता है। उसके लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि रॉट वाइलर आप कैसे चेक कर सकते हो उसकी प्योरिटी। यानी पूरी वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप में एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूँ, जिससे आप भी खुद भी आप पता लगा सकते हैं कि जो आपको पपी मिल रहा है या फिर कोई सामने वाला पार्टी आपको पपी दे रहा है वो ओरिजिनल है क्या नहीं है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी फैमिली जो है 5 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली अभी होने वाली है जल्दी। तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को 800 लाइक ज़रूर से कम्प्लीट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रॉट वाइलर काफ़ी मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है। अगर आप इन्हें लेने की सोच रहे हो तो आपको एक पहले से एक बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि आप इन्हें पहले से सोशलाइज और ट्रेनिंग ज़रूर से दीजिएगा, ताकि आगे जाके ये आपकी फैमिली की और आपकी सुरक्षा अच्छे से कर सके। और ख़ास करके इनको सोशलाइज और ट्रेनिंग टाइम टू टाइम आपको देना ज़रूरी है, और इनके डाइट के ऊपर भी आपको खास ध्यान देना ज़रूरी है। अगर ऐसे कुछ पॉइंट है जिनको आप ध्यान रखते हो तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप एक न्यू पपी लेने जाते हो या डॉग शॉप से लेते हो, कहीं से भी अगर आप लेते हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक मंथ का अगर डॉग ब्रीड है तो उसका एटलीस्ट 2 से लेकर 3 केजी तक उसका बॉडी वेट होना चाहिए। अगर वो बॉडी वेट 2 से 3 केजी का हो तो अच्छा रहेगा। तो जो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो है कि कलर। आपको ध्यान रखना है कि रॉटवाइलर जो है ब्लैक और टैन कलर में ही आता है। अगर आपको कोई और भी ऐसा जो कलर मिक्स आपको दिख रहा है, कभी कभार उनके चेस्ट में थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे सिल्वर या फिर वाइट कलर थोड़ा देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा होगा। अगर ज़्यादा होगा तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये मिक्स डॉग ब्रीड है। और हमेशा लेते टाइम आपको उसको चेस्ट ज़रूर से देखना है कि चेस्ट के ऊपर उसने कभी डाई तो नहीं किया है। नहीं तो कोई कोई लोग क्या करते हैं कि अगर वो कलर है उस छुपाने के लिए वहाँ पर टैन या फिर ब्लैक कलर की डाई लगा देते हैं, जिसके कारण आपको पता नहीं चल जाता। तो आप वो चीज़ ज़रूर से देखिएगा कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा कलर कुछ अलग सा लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है डाई किया हुआ, तो आप उसको दूसरे पपी की डिमांड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई एक ही कलर का पपी दे रहा है या चाहे ब्लैक कह रहा है तो ब्लैक ही दे रहा है, तो वो जो है मिक्स डॉग ब्रीड हो सकती है। तो मोस्ट ऑफली आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक और टैन कलर में ये पपी आपको अवेलेबल होंगे। तो गाइस, अगर आप एक न्यू पपी ले रहे हो और सामने वाला आपको बोल रहा है कि ये लॉन्ग कोट है, शॉर्ट कोट है, बट आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसा लॉन्ग कोट और कैसा शॉर्ट कोट है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करने के लिए एक बार चेक कर सकते हैं कि उनके बाल अगर 1.5 सेंटी के ऊपर होंगे तो वो लॉन्ग कोट होगा, अगर 1 सेंटी के अंदर या फिर 1.5 सेंटी के अंदर होगा तो वो शॉर्ट कोट हो सकता है। तो आप उससे भी पता लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ उसका गर्दन पे और पूंछ के बाल भी काफ़ी ज़्यादा घने होंगे, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि ये बाल काफ़ी लंबे हैं और दूसरे के बाल काफ़ी छोटे हैं, तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लॉन्ग कोट कौन सा है और शॉर्ट कोट कौन सा है। तो गाइस, जो नेक्स्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो है उनके कान यानी ईयर्स। उनकी ईयर्स ट्रायंगल में होते हैं और नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। अगर आपको कोई भी रॉटवाइलर दे रहा है, पपी दे रहा है, अगर उसके कान खड़े होंगे तो वो मिक्स डॉग ब्रीड हो सकती है, क्योंकि रॉटवाइलर के कान कभी भी इतने ज़्यादा खड़े नहीं होते, नीचे की तरफ ही होते। अगर आपको ऐसा पपी कोई दे रहा है तो वो मिक्स डॉग ब्रीडिंग किया हुआ पपी होगा। तो जो नेक्स्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो है उनकी नोज़ यानी नाक। रॉटवाइलर की नाक जो है अंदर की तरफ होती है, और जो जैसे कि जर्मन शेफर्ड या लैब्राडोर की बाहर की तरफ नाक होती है, वैसे आपको रॉटवाइलर की देखने को नहीं मिलेगी, उनकी नाक अंदर की तरफ होगी। और उनके जॉ मसल भी काफ़ी बड़े और स्ट्रांग होंगे, और इसके साथ साथ उनका जो फेस है उसके ऊपर से भी आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल या डुप्लीकेट, क्योंकि इनका फेस की जो स्किन होती है वो भी काफ़ी लूज़ होती है, उससे भी आप पता लगा सकते हो। जो नेक्स्ट जो तरीका आइडेंटिफाई करने का वो है उनकी टेल यानी उनकी पूंछ। उनकी पूंछ हमेशा नीचे से सीधी होती है। अगर वो ज़्यादा खुश है, ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं है, तो उनकी पूंछ आपको सीधी देखने को मिलेगी। अगर वो खुश है, मस्ती में है या फिर खेलने के मूड में है, तो आपकी उनकी पूंछ आपको थोड़ी सी सी आकार में देखने को मिलेगी, थोड़ी सी मुड़ी हुई देखने को मिलेंगी। अगर राउंड आकार में है, एकदम गोल मुड़ रही है पीछे से पूंछ उसकी, तो मिक्स डॉग ब्रीड हो सकती है या फिर आपको मिक्स पपी कोई दे रहा होगा, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो उनका वेट और उनका फेस। आप उनको फेस के हिसाब से भी जान सकते हो और उनके वेट के हिसाब से भी जान सकते हो, क्योंकि रॉटवाइलर का पपी काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और वेट में काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। अगर आप नॉर्मल के पपी लेने जा रहे हो तो भी उसका वेट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा आगे तरफ से, और उनका जो फेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और स्ट्रांग देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई अच्छी क्वालिटी का और हैवी बोन दे रहा है तो उसके फेस के ऊपर से भी आप पता लगा सकते हो, जितना उतना अच्छा उसका मोटा और
फेस आपको तगड़ा देखने को मिलेगा, उतना जो है पप्पी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और नेक्स्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका है उसके मदर फादर को देखना। हमेशा भी उसके मदर फादर को ज़रूर से चेक कीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको फ़ोटो में दिखा देते हैं कि ये देखो इस तरह से इसकी मदर दिखती, इसकी तरह से फादर होते, बट वो कभी भी सही नहीं होता। आप जाके खुद देखो अपने आँखों से तो आपको पता चल जाएगा। आप अपने आँखों से देखते हो तो आपको पता भी चल जाता है कि मदर किस तरह से दिखती है, पप्पी किस तरह से दिख रहा है, कलर में कोई डिफरेंट तो नहीं आ रहा है, उसके फादर है उसमें से उसके कलर में इसके कलर में कोई डिफरेंट तो नहीं आ रहा है, उनको कुछ इंजरी तो नहीं है आँखों में, कुछ प्रॉब्लम या फिर लेग में कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि कभी कभी डिजीज मदर फादर को होती है, वही चलते उसके पप्पी को भी आगे हो सकती है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। फिर आपको और भी ज़्यादा वो ज़्यादा भरोसा हो जाएगा कि चलो अच्छा पप्पी मेरे को मिल रहा है। तो हमेशा चेक ज़रूर से करना। और इसको आइडेंटिफाई करने का जो नेक्स्ट तरीका है वो काफ़ी सिंपल है, बट बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है, वो है उनके नाखून। नाखून से भी आप पता लगा सकते हो कि जो आपको पप्पी मिल रहा है वो ओरिजिनल है कि नहीं है, क्योंकि उनके नाखून हमेशा ब्लैक कलर के होते हैं, तो आप उससे पता लगा सकते हो। अगर कोई भी और कलर उसमें मिक्स आपको लग रहा है तो वो डॉग ब्रीड मिक्स हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उसकी हेल्थ देखते, बॉडी देखते, बट उसके नाखून नहीं चेक करते। बट आपको नाखून ज़रूर से चेक करना है कि नाखून पूरे ब्लैक कलर के है कि नहीं। और बहुत सारे लोग काफ़ी महंगे महंगे रॉटवेलर लेते हैं, काफ़ी इंपोर्ट करते हो कहीं से और बाहर से देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो उनके भी पेपर आप ज़रूर से चेक कीजिएगा कि विथ पेपर आपको मिल रहा है, कोई विथ पेपर आपको दे रहा है तो पेपर ओरिजिनल है कि नहीं, कैसी है में रजिस्टर है कि नहीं, सब कुछ आपको चेक करना है। अगर कोई पेपर दे रहा है आपको आपको नहीं आता है तो किसी और डॉग शॉप वाले के पास जाके आप वो पेपर दिखा सकते हैं, या फिर जिसको पता होता है, जिसको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है उसके पास जाके आप ये सारे पेपर बता सकते हैं, जिसके कारण आपके साथ कुछ फ्रॉड ना हो। और एक बात आपको ज़रूर से बताना है कि कभी भी आप ऑनलाइन डॉग ब्रीड लेते हो या फिर कहीं से भी लेते हो, तो कभी भी आप जल्दबाजी में पहले पेमेंट मत कीजिएगा। आप एक बार आपके हाथ में पप्पी आने दो, देखिएगा ओरिजिनल है कि नहीं, और हो सके तो 2 या 3 दिन ऐसा अगर लेट होता है तो भी चलेगा, बट आपको एक अच्छा पप्पी ढूंढ के लेना है। और कभी भी एक्स्ट्रा या फिर जल्दबाजी में ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना, नहीं तो बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होता है, फिर उनको पेमेंट भी नहीं मिलता और पप्पी भी नहीं मिलता, तो प्लीज़ इसकी ध्यान ज़रूर से रखना इस बात का। और गाइस, रॉटवेलर लेने से पहले आप अपने आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर से पूछेगा कि आप ये पप्पी के लिए रेडी है कि नहीं, क्योंकि ये पप्पी को अगर आप लेते हो या रखते हो या फिर घर पे लाने की आप लाने की सोच रहे हो, तो इनको आपको टाइम ज़रूर देना पड़ेगा, सोशलाइज ज़रूर करना पड़ेगा, ट्रेनिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, फिर आगे जाके अगर आप इन्हें से बराबर इनको सोशलाइज नहीं करते हो, ट्रेनिंग नहीं देते हो, तो पहले से आप अपने आप को तैयार रखिएगा कि इस डॉग ब्रीड के लिए आप तैयार है कि नहीं है। और इस डॉग ब्रीड को डिसिप्लिन में पहले से रखिएगा, जैसे आप पहले लाते हो 2 या 3 मंथ हो जाते हैं वैसे ही इस पप्पी को ट्रेनिंग देना चालू कीजिएगा, सोशलाइज कीजिएगा बाकी डॉग के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, फ्रेंड के साथ, और जितना हो सके उतना इसको आप फ्रेंडली रखिएगा, ज़्यादा एग्रेसिव ना रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और रॉटवेलर के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जो आपको आई बटन में मिल जाएंगे एंड स्क्रीन में भी आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।